Hey guys, welcome to my new video. मैं अमित, आज के इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी हम इसका 6 महीना से यूज़ कर रहे हैं और अभी हमारे पास देख सकते हैं फ्यूज 200 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है और ये इन्फिनिटी हारमन का यानी कि JBL का ही प्रोडक्ट है। तो इसमें बॉक्स में क्या क्या प्रोडक्ट साथ में मिलता है और इसकी प्राइस क्या है और इसकी साउंड टेस्ट करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को नॉलेजेबल लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस तरह से आपको जो है बॉक्स मिल जाता है येलो और ब्लैक में और आपका जो स्पीकर होगा ये रेड कलर में होगा। तो अगर आप QR कोड को आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप QR कोड का प्रयोग करके देख सकते हैं। हरमन का यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर और आंटी स्कैन QR, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन्फिनिटी हारमन फ्यूज 200 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, इधर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। सो उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ब्लूटूथ का लिखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं डीप बेस और ड्यूअल IQ सॉल्यूशन है। सो उसके बाद इधर दिया हुआ है कुछ QR कोड है और यहाँ पे फिर उसके बाद कंडीशन बताया हुआ है। सो यहाँ पे देखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनिटी बाय हारमन फ्यूज 200 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 10 घंटा ऑफ प्ले टाइम, यानी कि 10 आवर लिखा है, यानी कि 10 घंटे तक आप आराम से बजा सकते हैं जब इसकी चार्ज फुल हो जाएगी। तो फैब्रिक डिज़ाइन है इसकी, सो डिज़ाइन कैसे आ गया इसको हम बताएंगे, दिखाएंगे आपको। सो ड्यूअल स्पीकर कनेक्ट, यानी कि एक साथ में दो कनेक्ट कर सकते हैं आप स्पीकर को। सो यहाँ पे हैंड फ्री कॉल, यानी कि आप इस पर कॉल रिसीव करके बात भी कर सकते हैं, ये मिल जाता है आपको फंक्शन यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसमें जो बॉक्स में मिलेगा स्पीकर मिलेगा और USB केबल एक मिल जाता है, एक रस्सी मिल जाता है, एक गाइड आपको यहाँ पे जो पेपर मिल जाता है और क्या क्या हमें कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल में, टैब में, फिर लैपटॉप में, ये मिल जाता है। और यहाँ पे वेबसाइट है उसका। सो यहाँ पे फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे मिल रहा है इसके बारे में, तो 4999 लिखा हुआ है लेकिन इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, रियल प्राइस क्या है, हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सो यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं, तो अभी चलिए यहाँ पे ओपन करते हैं। सो अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू हारमन फैमिली ऑफ लेजेंडरी ब्रांड, तो देख सकते हैं इन्फिनिटी बाय हारमन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो उसके बाद JBL हारमन, फिर AKG, फिर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जो भी 6-7 प्रोडक्ट हैं इसका, तो इस सभी हारमन का है, ओके, क्योंकि JBL भी हारमन का ही है। सो इसको ओपन करेंगे हम अभी, तो इसको ओपन करते हैं। इस तरह से ओपन करने के बाद सो देख सकते हैं इस तरह से आपको, तो ये मेरा जो है आपको गाइड हो गया, गाइड पेपर हो गया। सो गाइड पेपर में ये इधर QR कोड है। सो आपको इससे पहले भी बॉक्स पे आपको हम दिखाया था QR कोड, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, सर्विस के लिए भी बताया जाता है यहाँ पे। सो उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ओके। सो कैसे कैसे यूज़ करना है वो भी इंस्ट्रक्शन इस पर दिया हुआ है, आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं। सो उसके बाद क्या क्या मिलने वाले सारी फंक्शंस को आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बना रहिएगा। सो यहाँ पे इसको हम साइड में कर देते हैं। उसके बाद हमारा बिल है यहाँ पे, तो इसकी प्राइस जो है हम आपको बता दें कि इसकी प्राइस हमें पड़ा था 2749 रुपये, इसकी पूरी प्राइस पड़ी थी GST के साथ। सो देख सकते हैं 209 रुपया, यानी कि आपको GST पड़ा था 209.67 रुपया, यानी कि इतना जो है GST पड़ा और 2749 रुपये इसकी फुल प्राइस है, ओके। सो इसको हम साइड में कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमको मिल जाता है देखने के लिए एक रस्सी मिलेगा जो आपको बांधने के लिए बहुत ही काफ़ी, जो कहीं पे आप टांगना चाहते हैं खुट्टी वगैरह में तो आपको इजी है। सो इसके बाद इसको हम अनबॉक्स करेंगे, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे रखने के लिए काफ़ी अच्छा है ये, तो ये हो गया आपको। सो उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे हमने ओपन कर दिया, इसको साइड कर देते हैं हम, अब इसकी देखते हैं यहाँ पर, तो हमने इसे हम जो है अनबॉक्स कर फाड़ दिए थे इसको प्लास्टिक को, तो अब इसको हम ओपन करते हैं। सो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर मिल जाता है, तो ये देख सकते हैं माइनस प्लस है। सो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, यहाँ पे माइनस और प्लस, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे पॉज का भी बटन है और उसके बाद फिर यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाता है इधर में आपको स्पीकर यानी कि माइक है जो आप फ़ोन में अगर कभी रिसीव कर लेते हैं तो बात कर सकते हैं इधर से। सो उसके बाद यहाँ पे चार्जेबल मिल जाता है, तो अगर इसको पट को खोलते हैं हम तो ये देख सकते हैं कि आउट का यहाँ पर दिया हुआ है चार्जिंग का दिया हुआ है, तो इसके साथ एक USB मिलता है, USB भी मेरा अलग रखा हुआ है। सो USB अगर हम देख लें यहाँ पे तो मेरा USB इधर था, ठीक है, तो एक USB भी मिलता है साथ में, तो आपको यहाँ पे USB जो है यहाँ पे चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो है चार्जिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये हो गया USB मिलता है, तो हमने इसको अलग रखा था निकाल कर, तो इसको भी निकाल देते हैं। सो ये हो गया और उसके बाद ये जो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है ये रस्सी जो मिल रहा है यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें अपने बंद डालने के बाद यहाँ पे जब इसका आप यूज़ करेंगे
तो कहीं भी आप सपोज कहीं पर टांगना चाहते हैं तो टांग के भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बाद में हम डालेंगे, देखेंगे बाद में फिर। सो इसके पीछे अगर देख लें हम, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इन्फिनिटिव ब्लूटूथ, यहाँ पे पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर मॉडल नंबर लिखा हुआ है इन्फिनिटी फ्यूज 200। और उसके बाद यहाँ पे इनपुट जो है 5 वोल्ट 1 एम्पियर मेड इन चाइना, तो ये चाइना की प्रोडक्ट है। सो उसके बाद इसको हम ऑन करने के लिए अभी ऑन करेंगे। तो ऑन करने के लिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो इन्फिनिटी का लोगो दिया हुआ है उसी पे आपको दबाना है। यहाँ पे तो ये ऑन हो चुका है, देख सकते हैं लाइट जलेगा, यहाँ पे ऑन हो चुका है। और उसके बाद अभी हम जो है साउंड का भी टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको ब्रांड का नाम लिखा रहता है इन्फिनिटी। सो ये हो गया। और इसकी जो कह सकते हैं इसकी डिज़ाइन भी बहुत ही काफ़ी सुंदर है, सो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं साइज, ये इतना साइज़ है। सो इसको कहीं भी आप एडजस्ट करके रख सकते हैं। और इसकी यूज़ के कर ले देख ले, अगर आप इसका बेस और नॉर्मल के लिए, तो आप इसको साथ में इसे दबाएंगे दोनों, तो ये डी बेस में हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका बेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो है पॉपुलर है, यानी कि बेस के लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी मार्केटिंग ट्रेंडिंग में है। सो इसको फिर दोनों साथ में एक साथ में दबाएंगे तो नॉर्मल में हो जाएगा। तो ये नॉर्मल में हो गया, ये पाउस प्ले का हो गया। तो ये जो ओके, तो कनेक्ट करने के लिए बता रहे, कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस में। तो अभी हम इसकी साउंड की भी टेस्ट करके दिखाएंगे आपको, तो अभी साउंड का भी टेस्ट देख सकते हैं। Deep bass.